इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जयसिंह नगर अंतर्गत यूरिया डीएपी खाद की कालाबाजारी। शहडोल जिले के जयसिंह नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों का इन दिनों खाद माफिया ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। देखा जाए तो शासकीय वितरण प्रणाली के तहत बटने वाली यूरिया डीएपी खाद सोसाइटी से ना मिलकर बल्कि ग्राम पंचायतों में स्थित स्थानीय दुकानदारों को लाइसेंस के माध्यम से खाद दी गई थी, परंतु विक्रेता द्वारा एक बोरी पर 400 से 500 रुपए का फायदा कमाकर किसानों को बेचा जा रहा है। उक्त कालाबाजारी की शिकायत समय समय पर सीएम हेल्पलाइन सहित स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से भी की गई है। साथ ही कुछ ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर भी तहसीलदार को उक्त कालाबाजारी की समस्या से अवगत कराया, परंतु आज तक इन नकाबपोश ठगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन कालाबाजारी करने वाले लोगों से कैसे निपटता है। ताजा मामला ग्राम कनाडी खुद से प्रकाश में आया, जहां ग्राम पंचायत निवासी प्रभाकर सिंह ने लिखित शिकायत देकर कनाडी कला निवासी संजय गुप्ता को तय सरकारी रेट से ज्यादा राशि पर खाद बेचने का आरोप लगाया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की जा रही है। इंडियन टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ बीके तिवारी के साथ हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट। की गई है खाद को लेके, कालाबाजारी को लेके, उसके संबंध में पूरी जानकारी बताइए, क्या शिकायत है और क्या कालाबाजारी है उसमें? प्रभाकर सिंह ग्राम कनाड़ी खुर्द के रहने वाले हैं जी। उन्होंने कनाड़ी कला के संजय प्रसाद गुप्ता, पिता राम प्रसाद गुप्ता के नाम शिकायत की है जी। कि हम एक बोरी डीएपी 1600 रुपए में दे रहा है जी। जबकि शासन से 1200 रुपए मिलती है, 400 रुपए हमसे ज़्यादा ले रहा है, इसकी जांच कराई जाए। उस जांच को हमने जो है अनुवाहक कृषि अधिकारी सुहागपुर को व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दिया। अनुभागीय अधिकारी कृषि शहडोल जांच में आए, उन्होंने उनकी ओपीएस मशीन देखी, मशीन में जो स्टाक और जो उसकी गोदाम में दोनों स्टाफ को मिलान किया गया, उसके दो नंग यूरिया के नमूना, एक नंग डीएपी के नमूना लिया गया, जो जांच के लिए भेजा गया। इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।